इंटर्नशिप के लिए जो है 21 तारीख को स्कूल अलॉट होने वाली थी, वो अब 21 को अलॉट नहीं होगी बल्कि 29 तारीख को अलॉट होगी। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। तो इंटर्नशिप के लिए स्कूल चॉइस और स्कूल अलॉट का जो कार्यक्रम था वो अब बदल दिया गया है। आपको जो है 29 तारीख को स्कूल अलॉट होगा। अगर आप शाला दर्पण के इंटर्नशिप पोर्टल पर आते हो और यहाँ पर आप चेक करते हो शेड्यूल में, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप कोई सा भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट राउंड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये कैप्चर कोड यहाँ पे एंटर करेंगे एंड उसके बाद में आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा शेड्यूल आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको जो स्कूल अलॉट है वो 29/1/2024 को होने वाले। पहले जो स्कूल अलॉट की डेट थी वो 21/1/2024 थी, लेकिन अब जो इसके शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस किया गया है तो मैं आपको एक बार वापस से कंफर्म करवा देता हूँ या वापस से आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ किस प्रकार से आप जो शेड्यूल रहने वाले। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ईयरली इंफॉर्मेशन अपडेट 1/1/2024 से 10/1/2024 तक है, तो ये तो सेम टू सेम है। उसके बाद में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है वो 10/1/2024 से 20/1/2024 तक। पहले ये 15 तारीख था, आप 5 दिन इसमें बढ़ा दिए गए। स्कूल चॉइस फील आप कर सकते हो 10 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। पहले 20 तारीख लास्ट डेट थी लेकिन इसमें जो है 8 दिन का इजाफा किया गया, 8 दिन और बढ़ा दिए गए। अब चॉइस लोग आप 10 से 28 तारीख तक कर सकते हो। और स्कूल अलॉट है वो पहले 21 को हो रहा था लेकिन अब स्कूल अलॉट होगा। तो अब आपको जो है इंटर्नशिप के लिए जो भी स्कूल अलॉट होने वाले, आप बीएससी बीएड हो या फिर बीएड बीए बीएड जिस भी क्लास में आप अध्ययनरत हो या फिर आप बीएसटीसी या डीएलएड कोई सा भी आप अगर कर रहे हो और आपका जो फर्स्ट राउंड में नंबर था आपने स्कूल चॉइस, अब आप 21/1 की जगह 29/1 के बाद में अपना स्कूल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो और स्कूलों में जो इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। तो ये एक इंटर्नशिप के लिए नई बड़ी अपडेट थी तो मैंने यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपने इंटर्नशिप के लिए अभी अब तक अपना फॉर्म नहीं भरा तो मैंने उसका भी अलग से डेडिकेट वीडियो अपलोड करके रखा है। और इंटर्नशिप फॉर्म से रिलेटेड आपके किसी प्रकार कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, हमें बता सकते हो। तो मिलेंगे जल्दी ऐसे और भी वीडियो के साथ।